आदाब सलाम नमस्कार दोस्तों, आज की ये शाम एक ऐसी शख्सियत के नाम है जिनके ख्यालों में बुलंदी, चेहरे पे एक नूर, एक चमक और होठों पे एक मुस्कान रही। एक नाजुक लबो लहजे के फनकार, अ मैन विद द गोल्डन हार्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लेट उस्ताद राजकुमार रिजवी जी की। राजस्थान की शान और मेवाड़ रत्न उस्ताद राजकुमार रिजवी जी के बारे में जितना कहा जाए और जो कहा जाए वो कम ही है। जब भी उनके बारे में सुनती हूँ, उनकी गाने में सुनती हूँ, तो यही मुझे एक शेर याद आता है। एक सूरज तारों के घरानों से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। एक कसक इज़ अ हम्बल ट्रिब्यूट टू हिम हु वॉज एन इनक्रेडिबल फादर, बिलवड सन एंड अ डिवाइन गुरु। हम सब जो आज यहाँ पेश करने जा रहे हैं वो बस उन्होंने जितना थोड़ा बहुत हमें सिखाया है। इसके साथ ही मैं अभी बुलाना चाहूँगी म्यूजिशियंस को। मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट बबलू जी इज़ ऑन कीबोर्ड एंड कौशिक बासु जी ऑन तबला एंड सौमित्रो इज़ ऑन गिटार एंड देर इज़ वन मोर अकम्पनिस्ट विद अस, दैट इज़ संगीता त्रिवेदी जी। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो आज की शाम की शुरुआत करने की इजाज़त लेना चाहूँगी। प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूँगी वो अपनी पहली गज़ल पेश करें। बशीर बद्र साहब की एक गज़ल है और इसे आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि इसकी कंपोजिशन गुरुजी राजकुमार रिजवी साहब ने ही की है। रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। सा गम प ग म ग निपम गम निगसा। रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। अब मेरी तरह पा
देखने जाओ तो नजर तो आए, रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहिए, उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहिए, जिनकी आवाज में आवाज में दरगाह की खुशबू आए, जिनकी आवाज में दरगाह की खुशबू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। थैंक यू सर। बहुत ऑलरेडी बहुत कुछ बोला गया है, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले दिन जब आया था उनके पास, ये कुछ 2010-11 का बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत क्लासिकल सीख के आया था उनके पास। आके बोला मैं गज़ल सीखना चाहता हूँ, तो मैं बोला मैं एक गज़ल सीखा हूँ और ऑलरेडी गाना चाहता हूँ मैं आपके सामने। तो बोले कि हाँ गाओ। तो मैंने वो गाया जो क्या टूटा है अंदर अंदर, मेहदी हसन खान साहब का। सुन के बताया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, क्या बात। तो अभी यही गज़ल मैं गाना चाहता हूँ, आप सुनो। तो मैं सुना, और सुनने के बाद जैसे होता है ना, कोई कोई के सामने से कोई मैजिशियन आके इल्यूशन में मैं पड़ गया। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ उनके तरफ, तो बोला कुछ डिफरेंस समझ में आया। तो मैं बोला कि डिफरेंस कहाँ है, आप किधर ऊपर में है, मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ किधर हूँ मैं। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ सीख लिया अभी। तो उन्होंने कहा कि हाँ फिर तो तेरा आधा काम हो गया, मतलब तेरा कान तैयार है, अभी तेरे को मैं रास्ते में लाऊंगा। तो ये गजल उनका ही कंपोजिशन है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में
माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई, अब्रू बरसा न हवा तेज चली है अब के अब्रु बरसा न हवा तेज चले हैं अब के, अब्रु बरसा न हवा तेज चले हैं अब के, कितनी वीरा कितनी वीरान तेरी यादों, कितनी वीरान तेरी यादों की गली है अब के, अब बरसा न हवा तेज चली है अब के, कितनी वीरान तेरी यादों की गली है अब के, अब बरसा न हवा तेज चली है अब के। क्या कहूँ कितने, क्या कहूँ कितने बहानों से भुलाया है उसे, क्या कहूँ कितने, क्या कहूँ कितने, क्या कहूँ कितने, क्या कहूँ कितने बहानों से भुलाया है उसे, क्या कहूँ कितने बहानों से भुलाया है उसे, ये कयामत ये कयामत बड़े मुश्किल से, ये कयामत बड़े मुश्किल से टली है अब के, कितनी वीरान तेरे जादों की गली है, कितनी वीरान तेरे जादों अब के, अब बरसा न हवा तेज चले है अब
या मेरी आँख की या मेरी आँख की कशकोल से आँसू चमका या मेरी आँख की कशकोल से आँसू चमका आँसू चमका आँसू आँसू चमका आँसू चमका क्या मेरी आँख की कशकोल से आँसू चमका या अंधेरे में कोई शम्मा या अंधेरे में कोई शम्मा जली है अब के या अंधेरे में कोई शम्मा जली है अब के कितनी वीरान तेरी यादों की गली है कितनी वीरान तेरी यादों की गली है अब के अब बरसान हवा तेज चली है अब के अब बरसान हवा तेज चली है अब के जाना में कौन
मैं प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो अपना दूसरा कलाम प्रस्तुत करें। अगला जो कलाम है शाहिद मीर साहब की लिखी हुई गज़ल, और ये भी गज़ल मैंने गुरुजी से ही सीखी है। एक गज़ल और बंदिश करके गुरुजी ने एक प्रोग्राम लिया था, ये प्रोग्राम होने के बाद मुझे अपने साथ उन्होंने शामिल किया और बोले कि आप आइए हम आपके साथ कुछ करते हैं। तो ये गज़ल स्पेशली उन्होंने मुझे सिखाई है सर। या खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या छलकती हुई आँखों को पत्थर कर दे। शाहिद मीर साहब का कलाम। सारे गधा सारे गधा पगरे सा, या खुदा रे या खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे, या खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या खुदा रेत के सहरा को समंदर। गधा पा
सारेगधप सानिधप मा पग और तो कुछ भी तमन्ना नहीं दरकार मुझे और तो कुछ भी तमन्ना नहीं दरकार मुझे मेरी चादर मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे या खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे या खुदा रेत के सहरा को समंदर इजाज़त चाहता हूँ एक ये हमारे घराना का जो गुरुजी का गुरुजी से हमको मिला है
आइकॉनिक सॉन्ग है इनफैक्ट हमारे कलावंत घराने का, रंजिशी से ही। और जैसे गुरुजी आपको मालूम है, रूना जी भी आई हुई है, जैसे पूरा खजाना हमारे सामने रखते थे, क्या क्या लेना है ले लो ऐसे बाकायदा। तो हमसे जितना भी हो सका हम लिए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और प्रदीप जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा एक शेर आप भी गा लिए, हम गुरु बंधु हैं। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए के लिए आ रंजिश।
सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को किस किस को किस किस को बताएंगे 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 किस किस को किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए राजकुमार जी मेरे बड़े भाई थे और मुझसे हर चीज में बड़े थे। किसी भी चीज का नाम लीजिए वो मुझसे बड़े थे, चाहे संगीत की विद्या हो, चाहे गाना हो, चाहे उनका मेल मिलाप लोगों से हो, उनका स्वभाव हो, उनका उर्दू का ज्ञान हो, हर चीज़ में बड़े। तो हमने उनकी ज़िंदगी पर बहुत इज्जत की।
हम तो प्रोग्राम में जाते थे, मना कर देते, अब हम गाएंगे नहीं, राजकुमार भैया यही गाएंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है। तो आज उनके बच्चे नाम कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, तो उनसे हमारी नोक झोंक भी चला करती थी, लेकिन बहुत तहजीब वाली, ये सोच के कि ये हमसे बहुत बड़े हैं, तहजीब वाली। बहुत मुझे चाहते थे और हमेशा उन्होंने मेरे बारे में दो अच्छे ही अल्फाज लोगों को बोले हैं हमेशा। तो वो हम जूनियर्स को सपोर्ट करता है, जब अपने से छोटे के लिए अच्छा कुछ बोलो तो उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ हाजिर हूँ, और क्योंकि मुझे एक जगह और जाना है, तो मैं जाने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ सुना के फिर जाऊँगा, क्योंकि राजकुमार भाई बहुत खुश होंगे जहाँ भी वो बैठे। इस वक्त वो अल्लाह मियाँ को गज़ल सुना रहे हैं, तो हम आप लोगों को सुनाते हैं। रंजिश ही सही, घर घर में यह गज़ल है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मेहंदी हसन साहब को अगर कोई सही ढंग से गा सकता है तो बस वो रिज़वी साहब, कोई नहीं गा सकता वैसे जो उन्होंने गाया। तो जब मैं बिग बॉस से आया तो मैंने इसमें दो शेर ऐड किए, सुनाता हूं। रंजिश ही सही, गजल तो हो ही चुकी है, वो मैं नहीं गाऊंगा, वो दो शेर सुना देता हूं। वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, ये बिग बॉस से आने के बाद। वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए ओरिजिनल भूल गए तो देखिए क्या क्या हो गया। घर नि बने रे गावा बागावा बागावा नि रानी बादावा बागरे सानी सा, रंजिश ही सही। एक शेर और, माना के तुझे पीने की आदत नहीं वाइज, माना के तुझे पीने की आदत नहीं वाइज, मैं खाने की रौनक ही बढ़ाने लिए संगीता इधर इतनी दूर बैठी है। संगीता ने मेरे साथ भी तबला बजाया है, कुछ प्रोग्राम हमने किए, जोरदार तालियां संगीता के लिए। मैं खाने की रौनक ही बढ़ाने के लिए रंजिश ही सही
रंजिश ही सही। पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, किसी को बताना नहीं चाहिए। गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है, गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। घर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। घर को दर्द सुनाने की जरूरत तुम मिटा सकते नहीं पर निरर निरामर निवानिर मापद पगने गगरे धनी गगरे जगरे धनी जगरे का धरे नी जगरे धनी जगरे का मोगरे धरे नी जगरे का मोगा मामा 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 धनी साबा तुम मिटा तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, फिर किताबों से मिटाने की जरूरत क्या है, फिर किताबों से मिटाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। दर्द को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। दिल ना मिल पाए, दिल ना मिल पाए तो फिर आंख बचा कर चल दो। कोई शख्स पसंद ना हो सामने आ जाए तो आंख बचा के निकल जाइए। दिल ना मिल पाए तो फिर आंख बचा कर चल दो, बेसबब बेसबब हाथ मिलाने की जरूरत क्या है, बेसबब हाथ मिलाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। घर को दर्द सुनाने की जरूरत है।
और इस शेर में जो सबक है, जो मैसेज है, उसे जो अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत ही मोहब्बत भर जाएगी। मैंने सीख लिया। जिंदगी यूं ही, जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए। जिंदगी यूं जिंदगी यूं यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए। रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या। रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। जरूरत क्या है। जरूरत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। भवंस, हमारे लिए ये जो ऑडिटोरियम है ये कोई कॉन्सर्ट हॉल नहीं है, ये हमारे लिए एक घर के समान है जहाँ हम बैठते हैं, दो बातें कहते हैं, दो चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसा मौका हुआ कि बहुत खूबसूरत कुछ कॉन्सर्ट्स हुए। मुझे याद है एक कॉन्सर्ट ऐसा था कि सीढ़ियों पर भी लोग बैठे हुए थे। बाबा ऑलवेज बिलीव्ड इन वुमेन इक्वालिटी, एजुकेशन, यू नो, माई फादर, ही वॉज, ही इज, फॉर मी ही इज, सो यस, सो ही इज़ अ राजपूत मुस्लिम, माई मदर इज़ अ बंगाली ब्राह्मण, एंड ही रेज्ड इन अ वेरी सेक्युलर एटमोसफियर। उन्होंने हमें जितनी शिद्दत से वो ईद मनाते थे या चैरिटी करते थे, उससे ज़्यादा ज़ोर से हम दिवाली मनाते थे। मैं यही कहूँगी कि बस ये लेगेसी है और इसको हमें आगे ले जाना है। और हाँ, इसका दारोमदार, मैं आज, मैं इतनी, आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, सो मेनी इमोशंस कि यू नो हाउ ब्यूटिफुली, थैंक यू गौतम जी, थैंक यू काड़ू जी, थैंक यू महिमा, पूरी टीम, पूरी भवंस कल्चरल सेंटर को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने पापा को याद किया। और उनकी जो जीत है या उनका जो म्यूज़िक है, उनको हम इसी तरह याद कर सकते हैं कि गाते रहें उनकी गजलें, उनको याद करते रहें। Yeah.
वक्त आ जाने तो दे बात करेंगे तुझसे, वक्त आ जाने तो दे बात करेंगे तुझसे। जिंदगी करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे। वक्त आ जाने तो दे बात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे। आज सुन ले हमें इंसान के लबों लहजे में, आज सुन ले आज सुन ले हमें इंसान के लबों लहजे में। कल फरिश्तों की तरह बात करेंगे तुझसे, दादनी जा जा जरे जरे जा जा दादनी जा 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 दा 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 दादनी जा जा जरे जरे जा जा दादनी जा 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 दादनी जा जा जरे जरे जा 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 दादनी जा 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 दादनी जा रे गा गा गम कमारे dani bare za da da dani za za zari zari za da dani za za da da dani za za zari zari za 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 dani za za da mere pa ma ba 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 mere pa ma ba 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 mere pa ma ba mere pa ma ba mere pa ma ba mere pa ma ba sa दिल की दिल में चुभी रह गई एक कसक, दिल की दिल में चुभी रह गई एक कसक, दिल की दिल में चुभी रह गई एक कसक, दिल की दिल में दिल की दिल में दिल की दिल में चुभी रह गई एक कसक, दिल की दिल में चुभी रह गई एक कसक, दिल की दिल में चुभी रह गई चुभी रह गई चुभी रह गई रह गई रह गई एक कसक, दिल के दिल में चुभी रह गई एक कसक, दिल के दिल में चुभी रह गई जिंदगी जिंदगी
दिल में छुपी रह गई, एक कसक दिल के दिल में छुपी रह गई। आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, वे मेरी दीदा वेख के थकिया। आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, वे मेरी दीदा वेख के थकिया। कदम कदम ते मैं जावा सदके, आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही। अभी उन्होंने कहा कलावंत जो गा सके, बजा सके, कंपोज कर सके, तो ये गाते गाते अभी अभी आया, ये जो ये दोहा है बट उसका जो इम्प्रोवाइजेशन है, आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही वे तेनु, आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही वे तेनु, वे मेरी दीदा वेख के थकिया, वे मेरी दीदा वेख के थकिया। कदम कदम ते मैं जावा सदके, कदम कदम ते मैं जावा सदके, मैं तो फर्श बनावा अखियां है। आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही वे तेनु, आवे माही वे तेनु अल्ला ल्यावे, आवे माही वे तेनु। एक मैं एक तू एक दी एक मैं एक तू एक दी।
सोच रहे मैं इतना लाभ क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज मेरे फादर हमेशा कहते थे इल्मी के साथ फिल्मी जो नया जनरेशन है उसको कैसे समझ में आएगा, आजकल के जनरेशन में इतनी पेशेंस नहीं है। तो ये राग है दरबारी, जनक जनक तोरे बाज पाले जनक जनक तोरे बाज पाले, आम आदमी को भी समझ में आए। कसक दिल के दिल में, दिल के दिल में, दिल के दिल में आए एक कसक दिल के दिल में चुभे रह गए। बहुत ही काबिल-ए-गौर शेर है। पापा हमेशा कहते थे जब पार्टीशन हुआ तो ये शेर लिखा शायर ने, एक मैं एक तू, एक मैं एक तू, एक मैं एक तू एक दीवार थी, एक मैं एक तू एक दीवार थी, एक मैं एक तू एक दीवार थी, एक मैं आधी आधी जिंदगी आधी आधी बटी रह गई, जिंदगी आधी आधी बटी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ओ एक कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, एक कसक दिल के दिल में चुभी कसक दिल के दिल में जो भी रह गई है, एक कसक दिल के दिल में, एक कसक दिल के दिल में जो भी रह गई। आज जो अरेंजमेंट किया है आई एम वेरी हैप्पी। मेरे घर की तरफ धूप की आ
रह गई standing ovation. Thank you. बहुत मुस्तैदी में, बहुत तेज, बिकॉज द ओनली वे टू द ओनली वे टू फास्ट इज स्लो, द ओनली वे टू फास्ट इज स्लो. तो हमेशा बाबा कहते थे कि ठहर के गाओ, भागो मत, भागना निरेगा मा रेगा मा था मादा नहीं तो सब कर सकते हो, कर देना बाद में, कर देना पहले दिल की बात, थोड़ा ठहर जाओ, सुनो बात को, सुर को साधो, उसको ढूंढो पहले ईश्वर को. More
तिलक सब जे छाप तिलक सब छेन ले रे तोस नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना मिलाएगे नैना Thank you so much. Thank you.
थैंक यू वंस अगेन. मैं तो सच में यहाँ गाने नहीं आई थी, मैं तो इन लोगों को सुनने आई थी. लेकिन अब पापा ने, हमेशा पापा कहते थे कि मैंने मेरे दो पट्टे तैयार कर दिए हैं, तो कहते ना बस चढ़ जाओ बादशाह. तो हमारा जब स्टेज पे आ गए तो बस फिर. थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह विल सी यू सून. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू.